हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हुआ फिर से एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था एक्यूमुलेटर के बारे में कि एक्यूमुलेटर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है और साथ ही साथ हम इसका यूजेस कहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों, हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि टाइप ऑफ एक्यूमुलेटर के बारे में और साथ ही साथ उसके टाइप के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो एक्यूमुलेटर होता है वो एक्सटर्नल सोर्स के आधार पर डिवाइड करते हैं। जो हम उसमें ऑयल को स्टोर करने के लिए जो एक्सटर्नल सोर्स जो हम यूज़ करते हैं, हम उसके हिसाब पे इसको डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि जो एक्यूमुलेटर होता है वो तीन टाइप के होता है, डेडवेट टाइप, स्प्रिंग लोडेड टाइप और गैस चार्जर टाइप। तो दोस्तों, हम अपने इस वीडियो में सबसे पहले पढ़ेंगे डेडवेट टाइप के बारे में कि डेडवेट एक्यूमुलेटर किस तरीके का होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, साथ ही साथ ये किस तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, सबसे नीचे जो है मैंने इनलेट और आउटलेट पोर्ट दिखा रखा है, जो कि पी से इंडिकेट कर रखा है। एंटर कर रखा है तो जो नॉन प्रेशराइज ऑयल है वो इनलेट पोर्ट से सिलेंडर के अंदर एंटर करता है और साथ ही साथ इसी पोर्ट से आउट भी होता है। सिलेंडर का यूज ऑयल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। पिस्टन एक स्लाइडिंग एलिमेंट होता है जो अप डाउन मूवमेंट करता है फ्रॉम पोजिशन ए टू बी। प्लेटफॉर्म का यूज डेड वेट को रखने के लिए किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा डेड वेट है वो कोई हैवी मेटल या फिर कंक्रीट ब्लॉक हो सकता है। तो दोस्तों, अब अगर मैं इसके वर्किंग की बात करूं तो जो हमारा हाइड्रोलिक फ्लूड ऑयल है वो पोर्ट पी से सिलेंडर के अंदर एंटर करता है तो पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ पुश करता है और पिस्टन जो है वो पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ मूव करता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे पोजीशन ए और बी से इंडिकेट कर रखा है। तो जब पिस्टन है पोजीशन बी पर पहुँच जाता है तब हम कहेंगे कि हमारा जो एक्यूमुलेटर है वो फुल्ली चार्जेस हो गया है, मीन्स मैक्सिमम एनर्जी जो है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गई है। जो एनर्जी एक्यूमुलेटर में स्टोर होती है वो प्रेशराइज ऑयल के फॉर्म में स्टोर होती है और जब हमें कोई वेट लिफ्ट करना होता है, मीन्स उठाना होता है, तब विद द हेल्प ऑफ डेड वेट हम प्रेशराइज ऑयल को आउटलेट पोर्ट से मशीन तक सप्लाई करते हैं। जब हम प्रेशराइज ऑयल को मशीन तक सप्लाई करते हैं तब क्या होता है कि हमारा पिस्टन जो है वो पोजीशन बी से पोजीशन ए की तरफ मूव करता है और जो प्रेशराइज हाइड्रोलिक ऑयल होता है वो मशीन में सप्लाई कर दी जाती है। दोस्तों, अगर मैं इसके प्रेशर की बात करूं तो इसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है। प्रेशर कांस्टेंट क्यों होता है? प्रेशर कांस्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जो हम डेड वेट यूज़ करते हैं उसका वेट जो है वो कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर इस डेड वेट का जो वेट है वो 100 LBS है तो वो 100 LBS ही होगा। अब अगर दोस्तों मैं आपसे ये कहूँ कि इसका जो मेन डिसएडवांटेजेस होता है वो ये है कि इसको लगाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों, उसके बाद जो हम डेड वेट का सिंबल जो है वो कुछ इस तरीके से बनाते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये डेड वेट का सिंबल है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।